नाज़रीन, मैं उसी मिलाज में, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइन। नाज़रीन, साफ़ सुथरी फिज़ा में सांस लेना और साफ़ सुथरा माहौल हम सब का हक है और इसमें हम सब ने अपना हिस्सा लाना। ये सिर्फ इदारों की, डिपार्टमेंट्स की, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अपने शहर को साफ़ सुथरा रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से हर तहसील में, हर टाउन में सफाई सुथराई कैंपेन जो है वो अरूज पर नज़र आ रही है। बहुत से सोशल मीडिया कैंपेन्स में आप बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स देख रहे होंगे कि फ़लाँ प्लॉट में, फ़लाँ जगह पर इतना कूड़ा था, हमने क्लियर करा दिया, और ये आफ्टर जो सफाई है उसकी आप तस्वीर जो है वो देख सकते हैं। तो आज हम चलते हैं इस टीम के साथ कि किस तरह से ये लोकेट कर रहे हैं, और अगर आप लोगों की कोई कंप्लेंट्स हैं तो आप अपनी कंप्लेंट्स भी उनको करा सकते हैं। शहर को साफ रखने में इदारे क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, और शहरी क्या कर रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ समी टाउन के इलाके में, और मेरे साथ एसी शालामार डॉक्टर अनम फातिमा भी मौजूद है। मेरे पीछे आप देखें कि वर्कर्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगह पर आइडेंटिफाई करके, जहाँ जिन प्लॉट्स में कूड़ा फेंका हुआ है उनको साफ करने का सिलसिला जारी है। और हमें सोशल मीडिया से लेकर ख़बरों तक, आप सिर्फ फाइव टू की स्क्रीन पर भी देखे होंगे कि कितनी मैसिव कैंपेन जो है ये सुथरा पंजाब के हवाले से खुद जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसको सुपरवाइज कर रही है, और इसी साहिबान खुद फील्ड में निकलकर काम कर रहे हैं। उनमें से एक बहुत एक्टिव इसी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप कभी दफ्तर में बैठती हैं? आपको हम खबरों में देखते हैं, आपको हम फील्ड में देखते हैं। बस ऐसे ही है, फील्ड ऑफिसर का आधा काम जितना ऑफिस में होता है उतना ही बाहर होता है। तो ये बेसिकली हमारी कैंपेन है। आजकल जितने प्राइवेट प्लॉट्स जहाँ पर लोग इलीगली या इनफॉर्मली कूड़ा डंप कर रहे हैं, LWMC उन सारे प्लॉट्स को लोकेट करके उनको टैग कर रही है। सेकेंडली, वहाँ पे हम ओनर्स को नोटिस दे रहे हैं कि या तो वो चार दीवारी पुट अप करें, और या अगर वहाँ पे वो चार दीवारी पुट अप नहीं करते तो फिर हम वहाँ पे प्रॉपर एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करके वहाँ पे कंटेनर प्लेस करके उस इनफॉर्मल डंपिंग पॉइंट को एक फॉर्मल डंपिंग पॉइंट बना रहे हैं, सो दैट वहाँ का वेस्ट डेली ख़त्म हो जाए, डिस्पोज ऑफ हो जाए। और लास्टली ये कि अगर कोई उसके बावजूद, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना देखा गया है कि लोग वेस्ट कंटेनर के बावजूद वेस्ट कंटेनर के अंदर फेंकने के बजाय उसके इर्द गिर्द फेंकते हैं, इन्फोर्समेंट स्क्वाड को एक्टिव किया है, जो LWMC का अपना इन्फोर्समेंट स्क्वाड है, कि जो कोई इस तरह की हरकत करता पाया जाए उसके चलान करें, उसके ऊपर ज़रूरत पड़े तो FIR करें, एक मैसिव कैंपेन लॉन्च करें अवेयरनेस की और साथ साथ इन्फोर्समेंट की। कितने दिन हो गए आपकी इस कैंपेन को, और अब तक कितने प्लॉट्स जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड है? बिफोर और आफ्टर की पिक्चर्स तो हम देख रहे हैं, लेकिन आपका ट्रैक क्या है कि कितने प्लॉट्स को साफ कर लिया गया इलाकों में? बेसिकली जो एम्प्टी प्लॉट्स हैं इनकी एक डैशबोर्ड होता है LWMC का, उसके ऊपर ये सारे के सारे मैप होते हैं या होने चाहिए। तो जब हमने ये कैंपेन स्टार्ट की थी तो पूरे वाघा जोन के अंदर से 20 प्लॉट्स वर मैप्ड, विच वाज कम्प्लीटली ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी अंडरस्टेटमेंट कि एक वाघा जोन इतना बड़ा, उसके अंदर से 20 एम्प्टी प्लॉट्स थे जहाँ से कूड़ा रूटीनली इकट्ठा होता था। तो उसके बाद हमने पूरा सर्वे किया है इसका, और उसके बाद तकरीबन अब 38 प्लॉट्स हैं जो वाघा जोन में कम्प्लीटली हमने मैप किए हैं। उनको हम रूटीनली क्लीन करते हैं, ड्रोन का बिफोर आफ्टर बनाते हैं। सेकेंडली, हमने बहुत सी ऐसी जगहें थी जहाँ पे ट्रबल पॉइंट्स थे, मतलब वाटर लॉक प्लॉट था जिसके ऊपर लोग कूड़ा फेंकते जा रहे थे, उन प्लॉट्स को हमने उनके ओनर्स को नोटिस करके मिट्टी से फिल कराया। अच्छा। और फिर वहाँ की वाटर लॉगिंग खत्म करने की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से वहाँ पे ऑब्वियसली डेंगू का रिस्क है, मुख्तलिफ डिजीज़ का रिस्क अभी है। आप यहाँ भी देखें, एक तरफ तो कूड़ा डंप हुआ है लेकिन दूसरी तरफ पानी भी आ गया है, तो वो पूरा एक सिवर टाइप, मतलब जैसे जैसे साफ हो रहा है उस तरह से ही सिवर स्मेल जो है वो इलाके में फैलती जा रही है, बीमारियों का बायस बन रहा है, गंदगी फैला रहा है। दिस इज अ प्रॉब्लम जिसके अंदर लोग अपने प्राइवेट प्लॉट्स के अंदर से मिट्टी निकाल के बेच देते हैं, तो उसकी वजह से वो एक डिप्रेशन पॉइंट हो जाता है, नेचुरल डिप्रेशन है, पानी अट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर लोग कूड़ा फेंक देते हैं। तो दिस इज़ लाइक टू प्रॉन्ग प्रॉब्लम। इसके अंदर हम अपने जो ओनर है उसको इन्वॉल्व करते हैं, उसको नोटिसेस करते हैं, उसके थ्रू अर्थ फिलिंग कराते हैं, और उसके बाद उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रॉम ओपन डंपिंग। बिल्कुल सही। अच्छा, ये हमें बड़ा सरफेस के ऊपर भी काम लगता है कि हम इस तरह के जब कैंपेन शुरू करते हैं तो बहुत मैसिवली शुरू होती हैं, लेकिन ये मशरूम ग्रोथ है, ये दोबारा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वही बात है कि सिविल सोसाइटी जो हमारी है या जो हमारी सिटीजन्स हैं उनमें वो सिविक सेंस ही नहीं है कि हमने अपने शहर को, अपने इलाके को साफ़ रखना है। उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, जो शऊर क्रिएट करना है वो तो एक स्लो प्रोसेस है, ऑब्वियसली उसका ताल्लुक ओवरऑल एजुकेशन स्टैंडर्ड से है, उसका ओवरऑल ताल्लुक ग्रूमिंग से है, घर की तरबियत से है। लेकिन हम जो अपने लेवल पे कर सकते हैं कि एक सिटीज़न को चॉइस ज़रूर दी जाए कि एक तरफ उसके लिए वेस्ट कंटेनर प्लेस किया जाए, और अगर वो चॉइस के बावजूद उसमें नहीं फेंकता तो फिर इन्फोर्समेंट की जाए, इन्फोर्समेंट जिसके अंदर फाइन्स भी हैं, FIRs भी हैं, ताकि ये स्टेट का काम तो फिर लॉ का की इम्प्लीमेंटेशन करना है। हम उसको ऑप्शन देंगे सही जगह पे डिस्पोज ऑफ करने की, और अगर नहीं करता तो फिर उसको
वार्निंग चलान FIR। बिल्कुल सही। अच्छा ये जो तहसील लेवल डिवाइड हो गई और अब आपका एरिया जो सबसे बड़ा एरिया था, वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन तहसील थी शालीमार की, वो भी डिवाइड हो गई, वाघा साइड अलग हो गई, उसमें से कैंट साइड भी निकल गई, क्या इससे बेहतरी आएगी, इससे चीज़ें आसान होंगी? देखिए जो तहसीलें हैं ऑल ओवर पंजाब, आई हैव डन 5 एसेशिप्स। नॉर्मली आपकी जो तहसील की पॉपुलेशन होती है वो एनी वेयर फ्राम 4 to 8 lakh होती है, ज़्यादा हो गई तो 12-13 lakh होती है। लाहौर में हर तहसील की, शालीमार एक रिलेटिवली लेस पॉपुलेटेड तहसील थी, उसकी पॉपुलेशन भी 25 lakh थी। तो अगर हमने ग्राउंड लेवल पे काम करना है, लोगों के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ क्लोजली काम करना है, उसको क्लोजली मॉनिटर भी करना है, तो फिर वो उस लेवल की इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास जो यूनिट है वो इतना बड़ा हो। तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की जो डिवीजन हुई है, इट इज़ टू हेल्प अस फोर्स बेटर क्या कहते हैं लिंक्स विद कम्युनिटी और लोगों के साथ मिलके काम करें और स्टेट की जो प्रेजेंस है वो फील्ड लेवल पे नज़र आए। बिल्कुल सही। अच्छा इसी साहब, आप लोग खुद आप लोगों का अपना एक सिस्टम है टैगिंग करने का और एरिया आइडेंटिफाई करने का, लेकिन अगर जो शहरी देख रहे हैं इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और फिर आपको सोशल मीडिया पर भी कमेंट्स में नज़र आ रहा होगा कि लोग कह रहे होंगे हमारे इलाके में भी ये प्रॉब्लम है, वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए लोग कम्युनिकेट DC ऑफिस के पेज से कर सकते हैं, मुझे मेरे पर्सनल पेज पर टैग कर सकते हैं। अभी एक संडे को एक कंप्लेंट भी आई थी रेलवे कॉलोनी से, आई विजिटेड पर्सनली, मेड श्योर कि प्रॉब्लम वॉज फिक्स्ड, और ऑफिस में हमेशा हमें कर सकते हैं। इसके अलावा LWMC के नंबर्स मौजूद होते हैं जो इनके रेलिवेंट ZOs हैं, और DC ऑफिस का नंबर भी मौजूद होता है। लेकिन कोई हेल्पलाइन बाकायदा नहीं बनी हुई? बिल्कुल बनी हुई है, LWMC की हेल्पलाइन है। अच्छा, उसी के ऊपर आप जो है वो एक्ट करते हैं? बिल्कुल, हम डेली इनका कंप्लेंट पोर्टल चेक करते हैं कि कंप्लेंट्स इनकी जो आई हैं वो सारी सारी रिजॉल्व हुई हैं कि नहीं। सही। तो LWMC आपके साथ मिलकर काम कर रहा है या आपके अंडर काम कर रहा है? बिल्कुल हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। और LWMC की किसी ने शिकायत लगानी हो तो वो किधर जाएगी? नहीं, LWMC की शिकायत मेरे ऑफिस कर सकते हैं, अगर कोई आपके उधर फील्ड लेवल पे काम नहीं हो रहा तो दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, रीच आउट टू AC ऑफिस स्टाफ। बिल्कुल सही, थैंक यू। इन दी एंड आप लाहौरियों को कुछ कहना चाहेंगी, मतलब अपने टाउन के इलाकों को कुछ कहना चाहेंगी शालीमार टाउन? वेस्ट रिस्पॉन्सिबली डंप करें, अगर कोई इरेस्पॉन्सिबल वेस्ट डिस्पोजल कर रहा है तो आप उसकी इतला AC ऑफिस को दे सकते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू जी। और इस प्लॉट के ऑनर भी यहाँ पर मौजूद हैं, आई थिंक आप लोगों ने उनको नोटिफाई किया हुआ है ऑलरेडी? बिल्कुल, उनको नोटिफाई किया हुआ है, बट अपेरेंटली इज नॉट इन सिटी, तो वो इस वक्त अरेंज नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो इसके ऊपर जो है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे, तो प्रॉब्ली हम इसकी 4 दीवारी करवा देंगे। 4 दीवारी करा देंगे और कॉपरेट कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, जब आप रीच आउट करते हैं, बार बार रीच आउट करते हैं तो कॉपरेट करते हैं। ये इस प्लॉट में तो ऐसा डिप्रेशन का कोई खास मसला नहीं है, मेरे पास इस तरह के प्लॉट्स थे जिनमें बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन थी, तो उनके ओनर्स ने 25-25 ट्रॉलियाँ मिट्टी की डलवाई हैं, उन प्लॉट्स को फिलअप किया है। जब आप उनको बताते हैं कि आपका प्लॉट जो है लोगों को हेल्थ रिस्क बन रहा है, डेंगू का सबब बन रहा है, तो दे डू अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाजिन, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि समी टाउन में ये पूरा काम हो रहा है, प्लॉट खाली कराया जा रहा है, कूड़ा जो है वो वहाँ से डंपिंग साइट से मशीनरी लगा कर इस क्लियर कराया जा रहा है। कुछ रिहायशी यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसे देखते हैं आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को? बहुत बैड एक्टिविटी है। क्यों? बिकॉज हमने बहुत मरतबा इसको कंट्रोल किया है, लेकिन ये सीधा सीधा फिर लोगों से लड़ाई झगड़ा करने के मुतरादिफ है, तो बहुत मरतबा लोगों को मना किया गया है, तो फिर लोगों के पास एग्जांपल होती है कि देखें वो भी तो फेंक के गए हैं ना, ठीक है, तो फिर हम अच्छा आप कह रहे हैं पब्लिक के एंड पे ये बड़ी गलत एक्टिविटी है कि खाली प्लॉट देखा और कूड़ा फेंक दिया, तो ये तो हमारी बदतमीजी कह लीजिए। कह रहे हैं कि जी यहाँ पर ड्रम जो है मतलब कि ये आपको बर्दाश्त है, ड्रम रखना आपको ठीक नहीं लग रहा, तो मैंने उनको एग्जांपल दिया कि आप यहाँ पे पार्क क्यों नहीं बना देते बच्चों के खेलने के लिए? लेकिन ये सरकारी जगह नहीं है ना? बोला कि ये प्राइवेट जगह है। हाँ। अगर उस बंदे को कूड़ा फेंकने पे कोई इतराज नहीं है तो पार्क बनने पे क्यों इतराज होगा? नहीं, आप ये किसी को कोई हुकूमत भी या मैं भी आप भी, मेरा प्लॉट हो तो मैं तो नहीं कहूंगी कि इसको प्लॉट बना दे कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करें। नहीं, ये आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना, उसकी अपनी जगह है। अब उनसे ये जरूर कहा जा रहा है आप 4 दीवारी करा लें ताकि लोग कूड़ा ना फेंके, और अगर डंप यार्ड यहाँ पड़ा होगा तो उससे इलाके का ही फायदा होगा, लेकिन लोग नहीं फेंकेंगे उसके अंदर, वो तो लोगों की ज्यादती है ना भाई। आई एम गिविंग यू द सेम एग्जांपल, यहाँ अस्त्री अकेडमी स्कूल है बाहर मेन पे, वहाँ पर 2 ड्रम पड़े हुए हैं, लेकिन सब भी लोग ड्रम के बाहर कूड़ा फेंकते हैं। ये तो हमारी जहालत है ना फिर, ये तो आवाम की जहालत है। यहाँ तो फिर एक कोई सिक्योरिटी गार्ड ड्रम के पास बैठाए, खुद से पैसे खर्चे, ठीक है, उसको वो गाइडेंस दें कि प्लीज ड्रम के अंदर कूड़ा फेंकना। बड़े अफसोस की बात है भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ कोई इंस्टीट्यूट ओपन किया जाए, हम पाकिस्तान से कहीं बाहर चले जाए ना तो एक रैपर भी नीचे नहीं फेंकते, पता है फाइन हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी।
यहाँ हम ये बातें कर रहे हैं कि जी कूड़े का ड्रम अगर रखना है, कोई डंपिंग डिस्पोजल कोई डिपू रखना है यहाँ पे, तो उसके साथ गार्ड बिठाना पड़ेगा ताकि लोग उसके अंदर फेंके। ये हमारी सिविक सेंस है जो हम बिल्कुल भूल चुके हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, इसी इलाके के रहायशी हैं आप? इस इलाके में आप घूमते फिरते रहे ना, हर 7-8 मिनट के बाद ना आपको एक प्लॉट नज़र आएगा जो कूड़े से भरा हुआ है, ठीक है? अब आप देखें कि इसमें तो गवर्नमेंट का कसूर नहीं, सिस्टम का कसूर नहीं, हमारा कसूर है। खाली जगह देखी, कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। ये मैडम, ये हमारा अलमिया है कि कोई भी जो है ना, ये अपने घर में 200 रुपया लेते हैं वो कूड़ा उठाने वाले, वो आते हैं, लेकिन जहाँ ये पहले स्कीम बनती है ना, वो गरीब लोग लेते हैं, वो फिर उधर कोई प्रॉपर जगह नहीं होती तो वो प्लाटों में कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं। अब जो स्कीम वाले हैं ना, वो ख़ास ख़ास प्लाट जो है ना कॉर्नर के, वो रख लेते हैं कि जब स्कीम डेवलप हो जाएगी हम इन्हें बेचेंगे। अब इस प्लाट की वो 30 लाख रुपए मरले के हिसाब से मांग रहा, जबकि इधर रेट ही नहीं है, वो इतने पैसे मांगता कोई खरीदे ही नहीं, तो खाली रहता है वो, तो खाली और वो कूड़ा कूड़े का ढेर बन जाता है। हाँ, और ये इसका नंबर है जी, ये है अलवी है इसका नाम, फैसल अलवी जो ऑनर है, उन्होंने रब्ता किया उससे? उन्होंने बड़ी दफा कहा जी, सब ने रब्ता किया, वो सुनते ही नहीं है, खामोशी से बैठे हुए हैं। उनका ने लिया है 40-50 हज़ार मरले में, अब उनका तो वो करोड़ों में चला गया। ये तो एक अलग बात हो गई ना, लेकिन गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि वो चार दीवारी कराए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब दोबारा मैंने इलाके के लोगों को भी तो ख्याल होना चाहिए। मैडम, इलाके के लोग जो है ना, वो सुबह उठते हैं, औरतें उठती हैं फजर के वेले, जब मैं जाता हूँ तो वो आते हैं और वो कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। अब किसी को कहें, यहाँ एक मस्जिद है हमारी, ये उसके सामने घर है, वो घर वाले ने पाइप बाहर निकाला हुआ है, पानी का टैंकी फ्लो होती है, पानी बाहर सड़क पे गिरता है, किसी को कहें तो मुफ्त की लड़ाई है। तो वो जब उन्हें कहा, उन्होंने कहा जी ये आदमी को छोड़े, इसकी बीवी को कहें। मैंने उसकी बीवी को कहा, कह दीजिए आपको किसने कहा, जो आपसे करता है वो मेरे पास लाए। अच्छा, अब आप ये देखें, एक तो ये मिसाल दी जाती है ना कि भाई फलाह ने भी फेंक दिया तो मैंने भी फेंक दिया, सारे ही फेंकते हैं। अब ये साफ हो गया ना, इसके बावजूद आप 10 दिन बाद देखिएगा कूड़े का ढेर लगना शुरू हो गया। 10 दिन क्या, ये तो हम मुआशरती तौर पर एक कमज़ोर कौम बन चुके हैं कि हम अपने शहर को, अपने इलाके को साफ नहीं रख सकते। जो साथ वाले रहते हैं ना जी, ये बेचारे इतने हैं, उनके आप घर में जाके देखें, इतनी बदबू है इसकी, हमारे घर तक जाती है। जाहिर है, बच्चों की बीमारी का बायस बनता है, मसाइल ख़राब होते हैं। गवर्नमेंट के इस एक्शन को आप अप्रिशिएट करते हैं? जी जी, गवर्नमेंट तो आती है, आते हैं जब उन्हें कहें, वो जब प्लाट भरता है देखता है वो आते हैं। अभी मैडम बता रही थी कि मैंने ये खुद किया, किसी ने शिकायत नहीं की। शिकायत किसे करें, शिकायत तो हम वो फ़ोन पे करते हैं, वो आ जाते हैं उठा के ले जाते हैं। अब यही हो सकता है, बस बात यह है कि कुछ थोड़ा सा लोगों को भी एहसास करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरफ भी चले जाएं आपको कूड़े के ढेर, गंदगी नज़र आएगी, जिसको साफ़ करने का ठेका LWMC ने ले लिया है। और हमें नज़र भी आ रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पर, मैं रास्ते में भी आ रही थी तो वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो LWMC तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है, लाहौर को साफ़ करने के लिए इस कैंपेन में भरपूर हिस्सा ले रहा है। हम लाहौरी क्या कर रहे हैं, गंद फैला रहे हैं हम लाहौरी जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के शहरी हैं, हम लाहौरी जो बड़े पढ़े लिखे अपने आप को कंसिडर करते हैं, ये हरकतें करते हैं। आप ये देखें, ये मुगलपुरा वर्कशॉप से जो लाइन आ रही होती है, यहाँ पर जो लाइनें हैं जो कनाल से इस तरफ को आ रही होती है, ये पूरा वो एरिया, ये सनी टाउन का इलाका है, लाल पुल का इलाका भी लगता है, यहाँ से आप सीधा बाहर निकल जाएँ। और पटरियों के साथ साथ देखें हमने क्या हरकतें की हुई हैं, कि अपने घरों को साफ़ रखा हुआ है और घर से कूड़ा बाहर फेंक दिया। मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ नोटिस किया कि घर की छत से हमने सामने वाले प्लॉट में कूड़ा फेंक दिया और अपनी ज़िम्मेदारी निभा ली। तो अब सफाई सुथराई का काम जारी है, मसला ये है कि ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं, मतलब हम इसमें अपना हिस्सा डाल सकेंगे या नहीं। आज ये साफ़ करके जाते हैं, कल हम फिर कूड़े का ढेर लगा देते हैं यहाँ पर, 10 शॉपर और फेंक देते हैं और वो 10 के 20 और 20 के 30 होते रहेंगे, तो फिर कौन ज़िम्मेदार है? कब तक हम अपने इदारों को
जो है वो तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे? कब तक हम ये कहते रहेंगे जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, LWMC काम नहीं कर रही, फ्लैट डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा? वो तो काम कर रहे हैं, आप लोग क्या काम कर रहे हैं इस शहर को साफ रखने के लिए? असल सवाल ये है, एक शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर मैं बड़ा हिस्सा लेती हूँ उन लोगों के साथ मिलकर ना, डिपार्टमेंट्स को भी तनकीद का निशाना बना रही होती हूँ कि फ्लैट डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। आज डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, क्या हम शहरी उनका हिस्सा बन रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं? शहरी तो बिल्कुल ही बंद है, इतने तो समझो को लड़ाई झगड़ा, किसी को मना कर दियो फिर लड़ाई, ये ना मना करो तो फिर वाकफियत बन जाती लोगों की सारा कुछ। बच्चे आते रहे काम करते रहे, कंप्लेन भी गई ने, अगर उतली सतह से नहीं गई निची सतह भी गए, उन्होंने अफसर लोग आते रहे काम होंगे रहे। आज भी एसी साहब आए हुए, हाँ जी, दो चार प्लॉट भी इतने कूड़े वाले सी वो खाली कराए ने, खाली कराए ने। पर साड़ी यार रिक्वेस्ट है, इस जगह नूं नज़र रखा जाए, इतने बदबू फैलती सी, मच्छर सी, हर चीज़ की बीमारी इतों पैदा हो रही सी, बस यही इशू है साड़ा। साफ सुथरा इलाका किसको पसंद नहीं है? हम मसाले देती है ना, लाहौर के पौश इलाके बड़े साफ सुथरे हैं, लाहौर का ताई बाग हो गया, कनाल बैंक हो गया, कनाल पॉइंट हो गया, ये लोग पसंद करते हैं इन इलाकों को, सफाई सुथरा। तो इसमें कसूर तो हुकूमत का नहीं है ना, हमारा अपना ही इलाके गंदे करने का, ये अवाम का कसूर है जी, सारा अवाम का कसूर है। शुक्र है जी, अवाम का कसूर भी हम मान रहे हैं और निकाल भी रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, एक और पॉइंट आपको दिखाएंगे जहाँ पर सफाई सुथराई तो चल रही है लेकिन वहाँ के इलाके के लोग क्या कहते हैं वो भी आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये कूड़ेस्तान के बिल्कुल सामने आपकी दुकान है और हमने ये कंप्लेन की जब DC ऑफिस में कि आप सुथरा पंजाब कैंपेन चला रहे हैं तो इसको साफ़ करें, तो उन्होंने मैं तस्वीर दिखाई कि ये साफ़ हो गया है लेकिन आज चार दिन के बाद वहाँ पर फिर वही गंद है। सफाई हुई थी? सफाई आप देखें जी, पहली बात तो ये देखें, आप आई हैं और आपके साथ ये मशीनरी आ गई, क्योंकि पहले पीछे काम कर रहे थे हमने उन्हें यहाँ, बात ये नहीं है, लेकिन देखे अभी आपने चले जाना है, इन्होंने भी चले जाना, नहीं हम साफ करा के जाए, आप साफ करवा के जाए, हम ये चाह रहे हैं इलाका मकीन भी सभी के, ये वक्ती तौर पे नहीं, हमें फॉर एवर चाहिए, हम भी यहाँ पे रहायशी हैं, इंसान है, साफ सुथरी हवा हमारा भी हक है, तो वो ही हमें फॉर एवर चाहिए, सिर्फ उस दिन के लिए नहीं जिस दिन सिर्फ आप आए हैं, ये मशीनरी है यहाँ पे, जो ZO है, जो द्रोविंद साहबान है, उन्होंने पैसे लगाए हैं, जिन चंद जो बाजार हैं बस उनकी सफाई करते हैं और करके चले जाते हैं। अच्छा, इसकी सफाई नहीं, इसकी सफाई नहीं होती, जुमे को ये साफ करके, जुमे को सिर्फ वो भी आपकी टीम आई वो करवा के गई है, वो भी 10 सालों में एक बार, नहीं जुमे को हम नहीं आए, हमने रिक्वेस्ट जरूर एक जगह जो भी था, यानी कि किसी के रिक्वेस्ट पर एक दिन सिर्फ काम हो, अदरवाइज ना उससे पहले हुआ है ना अब उसके बाद वो। आप मुझे बताए इलाके के लोग कितने कसूरवार हैं, अगर तस्वीर में हमें चाहे एक साइड ही कह लें साफ नजर आई, आज फिर वो कूड़े से भरी हुई है। इलाके के लोग कसूरवार ये हैं कि एक तो ज़्यादातर लोग अपनी मदद आपके तेजी कूड़ा फेंकते हैं, इलाके में डस्टबिन नहीं है। अच्छा। अगर डस्टबिन हो वो उसमें फेंक दें और ये आए अपनी मशीनरी से उठा कर ले, यहाँ पर कोई डंप, आप पूरे एरिया में विजिट कर लें आपको कहीं डस्टबिन नहीं मिलेगी, और चंद बाजार मिलेंगे जहाँ पर सेंट्री वर्कर वर्क करते होंगे वो भी जो पैसे देते हैं, अदरवाइज बाकी सारे लोग वो कूड़े को अपने घर तो नहीं। भाई आप GT रोड मेन रोड पे चले जाएं या कहीं पर भी चले जाएं जहाँ पे डंप डिपो पड़े भी हुए हैं ना, लोग उसके कूड़ा बाहर फेंकते हैं, अब उन लोगों का क्या करें? अब वो लोग तो देखे हर किसी की अपनी अपनी तरबियत है, आपने कहा कि हमें भी साफ सुथरा माहौल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हमारी साइकी क्या है, हम अपनी दुकान साफ करें कूड़ा सड़क पर, हम अपनी गाड़ी साफ रखें कूड़ा बाहर, घर साफ रखें कूड़ा जहाँ मर्जी फेंक दें, इलाके का ख्याल नहीं, शहर का ख्याल नहीं, अवाम भी तो कसूरवार है जी, अवाम कसूरवार है लेकिन मिस देखे पांच उंगलियां बराबर नहीं है, जहाँ पर लोग कूड़ा बाहर फेंकने वाले हैं ना वहाँ पर डस्टबिन में फेंकने वाले, मुझे लगता है कोई एक आधा ही है जो डस्टबिन नहीं, ज्यादा भी होंगे लेकिन वरना तो आप देख लेंगे ढेर, आप इस एरिया का विजिट करें जितने भी खाली प्लाट होंगे उन सब में आपको कूड़ा ऐसे ही मिलेगा, उसकी बड़ी वजह से सहूलत देखते है ना, हम घर के पास कोई खाली प्लाट है वहाँ जाके कूड़ा फेंक दिया, लेकिन अगर कोई सेंट्री वर्कर कूड़ा लेके जाने वाला हो तो हम क्यों फेंकने? ये बात बिल्कुल ठीक है, शादीपुरा का ये इलाका है, बंद रोड के बिल्कुल साथ है, जहाँ दो रिक्वेस्ट की जा रही हैं कि एक तो सैनिटरी वर्कर्स मुसलसल आएं, LWMC के मुलाजमे घरों से कूड़ा लेकर जाएं जो उनका काम है, दूसरा यहाँ पर कोई डस्टबिन कोई डंप डिपो मौजूद नहीं है जहाँ लोग कूड़ा फेंक सके, जो लोग इलेक्शन में शामिल होते हैं कौंसलर और सिर्फ उनके घरों और उनकी गलियों में सफाई की जाती है, आम आदमी तक कोई भी ये सहूलत की रसाई नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर एक और भाई भी मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? सर जुमे को ये साफ हुआ, आज चार दिन के बाद फिर वही हाल है,
नहीं एक्चुअली थोड़ा सा साफ हुआ था, बहुत ज्यादा साफ नहीं हुआ, जस्ट एक टीम आई है और एक मैम थी साथ में, उन्होंने काफी ज्यादा दिलासा दिलाया कि ये अब इसको खत्म करेंगे, इधर हम जो है मिट्टी डालेंगे, जस्ट ये थोड़ा सा मतलब के मलबा आया है, उसके बाद कुछ भी नहीं आया। मलबा भी ऐसे है कि जैसे यहाँ से डैम्पर जाते हैं ये माल उठा के, वो तो इतने इतने बड़े डैम्पर होते हैं, लेकिन वो मैम ने छोटे छोटे डैम्पर इस तरह ये देखें, ये एक डैम्पर का मलबा तो नहीं है ना, ठीक है। उसके अलावा जब आप प्रॉपरली तौर पे इसको बंद नहीं करेंगे, ठीक है, बंद करें, यहाँ पे आप डस्टबिन रखें, फिर आवाम जो है अपना कूड़ा उसमें फेंके, अगर आपने कोई काम ही नहीं करना, जस्ट इधर थोड़ा सा मलबा फेंक देना और आवाम को बोलना है कि इधर कूड़ा नहीं फेंकना, आवाम आप बाइक पे अपना पेट्रोल जो है ज़ाया करें और बाहर मेन पे जाए, जीटी रोड पे जाए, अपना कूड़ा फेंक दें, क्या करें अगर आप यहाँ पे। भाई ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना, रिहायशी इलाका है, लोग रह रहे हैं, और आप देखें कि फिर जनाब कूड़ा फेंके जा रहे हैं लोग, वो देखेंगे ढेर, अब गवर्नमेंट ने तो नहीं फेंका, गवर्नमेंट ने नहीं फेंका, लेकिन सिस्टम ने हमें यहाँ पे क्या चीज दी है, सिस्टम ने क्या दिया, ये छप्पड़ दिया है, टैक्स हमसे वसूल किए जा रहे हैं ना, और यहाँ पे मतलब के सीवरेज हुआ है तो उसका टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। अभी इधर डस्टबिन रखें, ये रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद अगर अवाम बाहर फेंक रही है तो फिर तो अवाम कसूरवार है, और है क्यों है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी इलाके की बात नहीं कर रही, बाहर इलाके का हमको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप देखें जहाँ पे डस्टबिन पड़ी होंगी, LWMC के बड़े बड़े डंप डिपो पड़े हुए हैं, उसके बाहर कूड़े का ढेर लगा हुआ, अंदर वो खाली है, ये भी है, माने आपके हम आवाम थोड़े से सुस्त भी है और अपनी सहूलत देखते हैं, इलाके की सफाई सुथराई, शहर की सफाई सुथराई, कि जैसे भी मतलब के हमारे आजकल हुक्मरान है, जो हमारे लीडर हैं, मतलब जो टीम है, जो भी जो जिसके जिम्मे जो काम आ रहा है, अगर वो प्रॉपरली अपना काम करे तो इंशाल्लाह वाम भी अपना पूरा काम करेगी इंशाल्लाह। चलें अभी फिलहाल हैवी मशीनरी लग गई है जी, आप डस्टबिन रखवाएं, एक विजिट करें और उसके बाद का विजिट करें, हम पूरा इलाका इस बात के जवाब दे होंगे कि कूड़ा डस्टबिन में आके बाहर, लेकिन आप पहले डस्टबिन रखवाएं, ठीक है, सिस्टम और सहूलत, टीम है जो मतलब के वो क्लीन करती है इलाके को, वो घरों से रेड़ियों के ऊपर कूड़ा लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले आके फेंक, क्यों, ये भी शिकायत आई है, क्यों क्यों सफाई करने के बाद पैसे लोगों के घरों से ले रहे हो उठाने के, और मेरे घर के सामने क्यों फेंक रहे हैं, ठीक है, खुद अपना प्रॉपर डंप यार्ड मौजूद नहीं है, हम यहाँ पे गोबर नहीं फेंक रहे, और एक टीम जो है वो गोबर वालों से पैसे भी ले रही है, ऐसा क्यों है। सलाम अलैकुम जी, जी वालेकुम सर, छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जुमे को ये साफ हुआ जी मैडम आधा जी, ये वाला कूड़ा ऐसे का ऐसे ही था, ठीक है, आज चार दिन के बाद वो फिर भरा हुआ है। नहीं मैडम, इस तरह है कि हमारी जो मैडम CM है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, और हमारे जो चेयरमैन LWMC है बिलाल जुल्फकार खोकर साहब, और हमारे CEO साहब बाबर साहब दीन साहब, उनके विजन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, मशीनें भी प्रोवाइडेड है, और ये आपको पता है ये मोहल्ला जट्टा है, यहाँ पे तकरीबन हर घर में 8 से 10 जानवर हैं, उन जानवरों का सारा वेस्ट इस पॉइंट पे आता है, और इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली बेसिस पे जो है, ये तो आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है, रिहायशी इलाकों में जानवर रखे हुए क्यों जी मैडम, आपको पता है अलाउड नहीं है ना, आपको तो बहुत पता होगा, रिहायशी इलाकों में जानवर रखे हैं क्यों भाई, कहाँ है कानून, फिर उस पर भी कानून आता है, निकालेंगे यहाँ से रिहायशी इलाकों से, आउट ऑफ द डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट की बात नहीं है, पर मैं एक बात कर रही हूँ, लेकिन ये है की जो हमारी डोमेन है जिसमें हम काम करना चाहते हैं इंशाल्लाह उसको हम 100% करने की कोशिश करेंगे, जुमे को 100% नहीं हुआ, जुमे को 100% नहीं हुआ, मैं शहरियों से रिक्वेस्ट करूंगा की जो है जो वेस्ट है वो कूड़ेदान में फेंक के, कूड़ेदान कहाँ है, यहाँ पे कूड़ेदान दिखाएं, कूड़ेदान वो गाड़ी उठा के लेके गई, अभी इसको खाली करके पड़ा हुआ था कूड़ेदान, इंशाल्लाह हाँ जी, मैंने नहीं देखा, वो छोटे स्किप्स पड़े हुए हैं, आपकी कैंपेन से पहले भी मैंने देखा यहाँ कूड़ेदान नहीं था, मैं रिहायशियों से नहीं पूछूंगी, मैं बताऊंगी यहाँ कूड़ेदान नहीं था, इंशाल्लाह हम नोट करवा देते हैं, इंशाल्लाह वो भी यहाँ पे हम रखवा देंगे, फिर आप ऐसे बात कर रहे थे कि कूड़ेदान नहीं, कूड़ेदान यहाँ पे थे लेकिन वो हमने रिपेयरिंग के लिए भेजे हुए हैं, इंशाल्लाह होंगे, कब इंशाल्लाह, लिखी पड़ी बातें ना करें मेरे साथ, कागजी बातें ना करें, सच वाली बात बताएं, कूड़ेदान नहीं पड़ा था यहाँ, मैं बता रही हूँ, ठीक है, कितना अर्सा पहले यहाँ, एक मिनट मैं खुद कर रही हूँ ना बात, हाँ जी सुने, ये रास्ता थोड़ा सा छोड़ दें, इधर आ जाए, हाँ जी, ये सुपरवाइजर भाई थोड़ा सा साइड पे, ये हमारा सुपरवाइजर भी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको पता है जो पब्लिकली जो लोग होते हैं
वो इसी तरह की बातें करते हैं जी, सफाई नहीं होती। सर आप सारा इल्जाम लोगों पे नहीं डाल सकते, मैं खुद लोगों को कसूरवार ठहरा रही हूँ। मेरे पास पूरे प्रूफ है वर्किंग के, डेली बेस पे हम वर्किंग करवाते हैं लोगों के साथ यहाँ इस इलाके में। ये पानी है सारा दलदल, आप देखा जी? नहीं नहीं, बिल्कुल इसलिए गाड़ी इसमें नहीं चल सकती। इसको हम मलबा मलबा लेकर आ रहे हैं रोजाना, जिसका जिसका मलबा। सुपरवाइजर साहब, जुमे को ये साफ हुआ सिर्फ वो वाला एरिया, ये कूड़ा वैसे का वैसे था। ये आज हम आए हैं तो हमने आपकी मशीनरी को बुलवाया कि इसको भी साफ करें। मुझे बताएं आखिरी दफा यहाँ पे कूड़ादान कब पड़ा? मैडम जी ये जो ना काफी देर, इतनी देर नहीं हुई, इतने पे हम, लेकिन लोग फिर वेस्ट थे। मैं 1.5 महीना हो गया, नहीं पे मैं 15 दिन पहले आई सी, इतने नहीं पे। हाँ जी, लेकिन सिर इस वजह तो लोग जो थले सुटी आ रहे हैं उनके फिर भी कूड़ा पा रहे हैं। घर चो कूड़ा ले आके ताडे वर्कर इतने सुट देंगे ने, ओदा कौन कसूरवार है? जी देखो असि हूँ 24 घंटे फिर बैठे रहते। मैं तुम्हें कदों कह रही हूँ 24 घंटे वर्कर ने ना, हाँ जी घर चो जो कूड़ा चुकते हैं ताडे वर्कर ने, ताडे अंडर आते हैं? नहीं साढ़े मेरे अंडर च नहीं है, ओ LWMC के अंडर आते हैं। ठीक है, बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट है तुम्हें जी इलाके की भी सुनो, लोग जो वेखते हैं ना पोश इलाके गुलबर्ग मॉडल टाउन डी एच ये वो कहें साडा इलाका भी साफ हो, ताडी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। गल बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोग जो ऐसे महल के लोग लिया रात में रेडियां सुटते हैं, वर्कर नहीं सुटते रात गोबर दे मसला सिर्फ इतना है जो मैं आपसे भी कहना चाहूंगी, एक तो लोगों का मसला है कि हम अपने शहर को अपने इलाके को साफ नहीं रखना चाहते। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी कि हम अपने इलाके को साफ नहीं रखना चाहते। अगर जहाँ पे कूड़ादान मौजूद है वहाँ पे हम कूड़ा फेंकते नहीं है। फिर मसला ये आता है कि अगर वो कूड़ा वहाँ पे फेंक भी दें तो LWMC की मुलाजमीन की बहुत शिकायत आ रही है कि घरों से कूड़ा लाकर जहाँ खाली प्लॉट देखते हैं वो भी वहीं पर डंप कर देते हैं, उनको कौन पूछेगा? क्या इलाकों में कूड़ादान मौजूद हैं? ये जो कमी है ना हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा है, गुंजान आबाद इलाकों में, शुमाली लाहौर वाली साइड पर। तो मैं इसी साहिबा से DC साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके ऊपर भी फोकस करें कि हर जगह पर जहाँ से आप प्लॉट कोई ऐसा एरिया जो बहुत बड़े रकबे का है उस वहाँ से कूड़ा डंप क्लियर करा रहे हैं तो वहाँ कूड़ादान लाजमी रखवाएं। फिर हम इवेल्यूएट कर सकेंगे कि लोग अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस इलाके से हमने वादा किया था तो हमने मशीनरी यहाँ पर बुलवाई है और मेहरबानी है उनकी जी, फ़ौरन यहाँ पर पहुँच गए और काम शुरू कर दिया। और आप देखेंगे देखते बहुत सा एरिया जो है वो उन्होंने साफ़ कर दिया और हम मेक श्योर करेंगे कि ये इलाका पूरा क्लीन हो। साफ सुथरा लाहौर कैंपेन्स पूरे शहर में मुख्तलिफ टाउन्स में ACs के अंडर LWMC के तावन से जारी हैं और उसमें हमने ये तावन सिर्फ करना है कि जहाँ इलाका साफ़ नहीं है उसकी कंप्लेन करें और जहाँ पर साफ़ हो रहा है खुदारा उसको साफ़ रहने। अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।